हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की डेट में यानी कि मंडे को कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो गाइज, यदि हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी पे गाइज यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि भाई 24,000 के आसपास, 24,000 और 24,100 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यदि गाइज मंडे के दिन में देखिए इस तरीके से कुछ सपोर्ट जोन पे मार्केट या तो गैप डाउन ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे 24,000 24,100 के आसपास हमें केवल और केवल बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है और यहाँ से जो है मार्केट एक बाउंस कर सकता है। या फिर गाइस मंडे के दिन में जो है निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होती है, कहीं ना कहीं इसको वेट करना है आपको कि हमारा जो सपोर्ट जोन है 24,100 के आसपास यहाँ तक आए निफ्टी, देन हम इसको बाइंग कर सके। सो गाइस, फ्रेश सेलिंग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि गाइस ये जो सपोर्ट जोन के थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ पे और अभी जो है करंटली यहाँ पे, मतलब जब पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट आया था तो आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रैली आई थी। गाइस ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट में भी क्लियर देख सकते हैं कि 24,000 पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 24,100 पे भी सपोर्ट जोन है। यदि गाइस हाँ, कल की डेट में यदि कोई भी मार्केट में एक अगेन एक नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में और 24,000 का जो लेवल ब्रेक करता है, जो जितने भी यहाँ पे सपोर्ट राइटर है, जो पुट राइटर है यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो मार्केट जो है एक बहुत तेज़ी से शार्प फॉल आ सकता है। तो ये वाली कंडीशन हम कैसे भाप सकते हैं, इसको भापने के लिए गाइस पहले 15 मिनट के अंदर जो है कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना पड़ेगा 24,000 के लेवल को। और आप ओपन इंटरेस्ट में भी देख पाएंगे कि भाई ओपन इंटरेस्ट से 24,000 के जो पुट राइटर है वो एग्जिट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये कंफर्मेशन आप चार्ट पे और ओपन इंटरेस्ट दोनों में देख सकते हैं। चलिए गाइस निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है कल के डे में। सो गाइस निफ्टी में भी यदि हम देखेंगे कि निफ्टी में भी जो है एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर भी बन रहा है कि भाई 50,400 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लास्ट टाइम की यदि बात करेंगे तो पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और अगेन थर्ड सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ये बन रहा है। तो यहाँ पे भी यदि गैप डाउन ओपन होता है कल की डेट में, देन हमें क्लियरली यहाँ पे बाइंग करना है और गाइस फ्रेश सेलिंग हमें बिल्कुल भी इसमें अवॉइड करना है जब तक कि एक पावरफुल कैंडल निफ्टी की तरह यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल 50,400 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हमें सेलिंग इसमें नहीं करना है। चलिए ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं, इसको ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है। देखिए इस ओपन इंटरेस्ट में भी 50,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन भाई गाइज वही कंडीशन की मार्केट में एक शॉर्ट फॉल कब आता है, जबकि कोई भी पर्सन यहाँ पे डरे, कोई भी कॉल राइटर या पुट राइटर यहाँ पे डरे, यानी कि मार्केट में फॉल कब आएगा जब ये 50,500 वाले पुट राइटर वो सारे के सारे अपनी पोजीशन को एग्जिट मारेंगे, मतलब इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो ये सारे के सारे पुट राइटर इसमें कन्वर्ट होंगे पुट बाइंग में, है ना। तो ये लोग अपनी पोजीशन जैसे ही स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडल बनेगी और उस कैंडल के साथ फॉलो अप कैंडल आती है, देन हम लोग अपनी यहाँ पे नीचे के साइड में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब तक इस लेवल पे हमें कहीं ना कहीं बाइंग का ही सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना है। अगर आप गाइस की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।